हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं मतलब जाने के लिए डिज्नीलैंड। तो अभी देखिए नित्या भी रेडी हो चुकी है, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम लोग निकलेंगे और जितना हो सके आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी जितना हो सके। देखती हूँ कितना भीड़ है, आज तो संडे है, संडे का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। कितना दिन से निकलने का कोशिश, मगर गर्मी के चक्कर में हम लोग नहीं निकल रहे थे, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के, तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा क्या क्या होता है कि डिज्नीलैंड में। चलिए तो देखिए, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और डिज्नीलैंड मेला में, और अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं और यहाँ से हम लोग टिकट काउंटर से टिकट ले लेंगे। 20 रुपीज़ टिकट है, आप लोग पहले ही आ चुके होंगे, आप लोगों को पता होगा। और ये गेट है देखिए, और यहाँ से घुसना है, इन करना है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज संडे है, इसी के वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग को पहुँचते पहुँचते 8 बज गया, क्योंकि जुबली पार्क वाला रोड से आए, तो वो वाला रोड जुबली पार्क भीड़ था बहुत, था संडे, सब फैमिली लेके सब कोई आया हुआ था इसी के वजह से। तो अभी हम लोग अंदर घुस रहे हैं और टिकट विकट ले लिए, अभी बस जाके घुसना है और देखना है क्या क्या मेला में है। और सही बताए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा है और ज़्यादा क्लाउड रहने से और ज़्यादा भीड़ लग, मतलब इतना झन, इतना लोग, इतना गर्मी, और टेम्परेचर उस दिन तो ज़्यादा ही था, और संडे के दिन तो और भी ज़्यादा। तो देखिए इधर पकवान सारा है, एक जगह में पूरा पकवान लगा हुआ है, मिठाई वगैरह, खाजा गोजा सब चीज़। और इधर देखते हैं ड्रेस वगैरह लगा हुआ है, देखिए साड़ी, ड्रेस, सूट, चुनरी, सब चीज़ मतलब है। और फिलहाल अभी देखते हैं हम लोगों को खरीदने वाला चीज़ क्या मिलता है क्या नहीं। आप लोग पहले गए होंगे, मैं तो इस बार बहुत लेट से गई हूँ, और सही बताया तो बहुत साल बाद आई हूँ, अगले साल भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि नित्या छोटी थी और गर्मी में लेके जाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मेला को, इसीलिए। और ये देखिए यहाँ पे शूज़ वगैरह, ड्रेस और सब, जूता वगैरह, चप्पल उप्पल लेडीज़ का सब चीज़ है। और देखिए इधर जितना भी लड़की का ज्वेलरी वगैरह रहता है, इधर है शॉप, बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा शॉप है। और कपड़ा उपड़ा वगैरह, बच्चा खिलौना का शॉप, अलग अलग सारा दुकान लगा हुआ है यहाँ पे मेला में। तो अभी चलते हैं, हम लोग को खरीदने जैसा जो मतलब चाहिए होगा वो अगर अच्छा लगे तो खरीद लेंगे, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। और देखिए मैं इधर जाते जाते देखी कि एक जगह में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, इधर पूरा चूड़ी का चूड़ी ही सेट है, मैं सोची कि वहाँ से लूँ मगर फिर नहीं ली। और इधर देखिए बच्चा का खिलौना और लेडीज लोग का सामान, तो ये जगह में मैं अटकी। और यहाँ पे सोची कि लेने का के लिए कोई कपड़ा लूँ गर्मी के लिए, मगर मुझे कपड़ा सही नहीं लगा और रेट कुछ ज़्यादा था और कपड़ा का वाइज वैसा नहीं था, तो इसी वजह से मैं नहीं ली। इधर देखने आए हम लोग कप सेट, और देखिए हम लोग यहाँ पर कप सेट देख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी, अचार वाला जार सब कुछ देख रहे थे, और मतलब कुछ कुछ पसंद भी आ रहा था। इतना भीड़ है कि उन लोग मतलब रेट भी बता नहीं पा रहा है, हम लोग 2-3 चीज़ का पूछ रेट। और उसी के बगल में देख रहे हैं कि लेडीज़ बहुत भीड़ है, तो फिर हम लोग वहाँ से चूड़ी लिए, तो वो वाला वीडियो आप लोग को मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, गर्मी था। और देखिए नीता के लिए उसके चाचू उसको ब्रेसलेट खरीद दिए, तो सबको दिखा रही थी। और यहाँ पे जो चूरन टाइप्स रहता है, अलग अलग प्रकार का सब कुछ मिक्स करके, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है फ्रेंड्स, इतना सारा चीज़ देखिएगा, अलग अलग चीज़ देखिए, कितना सारा हजमोला टाइप्स, बहुत सारा चीज़ है जो कि मतलब पाचन शक्ति वो सब के लिए अच्छा रहता है। तो बस वो भी हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो वो भी पूछ रहे थे, और लिए तो नहीं, बस हम लोग देखे कि क्या है क्या नहीं, हमको हम मतलब देखे नहीं कितना सारा चीज़ भी होता है, तो वही सब पूछे कुछ कुछ सामान सब। और इधर देखिए इधर बहुत सारा चॉकलेट वगैरह, इधर कैंडी है, तो जो कॉटन कैंडी रहता है वो सब। और इधर आगे बढ़ते हुए हैं हम लोग, तो बस हम लोग अभी तो फ़िलहाल चूड़ी वगैरह लिए हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या सामान लेते हैं। तो इधर चप्पल उप्पल सारा था 200 रुपीज़ में, इधर कप सेट आए हम लोग, फिर कप पूछे और यहाँ से एक हम लोग कप सेट ले लिए। फाइनली हम लोग कप सेट 2-3 जगह देखे और एक जगह से लिए और पसंद आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाँ पे भीड़ है ना उन लोग बताने नहीं खोज रहा है, मतलब प्राइस ही नहीं बता पा रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग को जो ठीक लगा हम लोग लिए,
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। गर्मी में मेरा मुंह देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयली और मतलब पूरा भींग गया है हम गर्मी में। बिंदी भी लगाए थे वो भी अट गया गर्मी की वजह से। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखे, यहाँ पे मेरे को दिखा कि फिक्स प्राइस 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ बोलने से हमला कर डालो वाला होता है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ चीज़ चाहिए था, ये वाला मग चाहिए था, तो कुछ कुछ चीज़ हम लोग ख़रीदे जो कि मैं आपको एंड में दिखा दूँगी कि क्या क्या मैं ले रही हूँ। तो वहाँ से सामान लेने के बाद चलते हैं दूसरी और हम लोग सामान ख़रीदने। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं कुछ कुछ नित्या का मतलब ज़्यादा टॉय वगैरह ख़रीदने। और सच बताया तो नित्या का ही कुछ ज़्यादा सपना होता है क्योंकि वो मतलब जाती है दादी और चाचू के साथ, तो क्या ये लेना है वो लेना है तो उसका भी। और सही में बताया तो डिज्नी लैंड मेला में तो कुछ ज़्यादा ही रेट है जो हम लोग कदमा मेला या फिर दुर्गा पूजा का मेला में हम लोग लेते हैं वो सब कोई मतलब जैसे 40 रुपीज़ बलून वगैरह जो टॉय सब रहता है, बलून टैक्स बलून वो सब रहता है। यहाँ पे 50 रुपीज़ है वाटर बॉटल हम लोग ख़रीदना चाहें तब जो 30 रुपीज़ है मतलब 20 रुपीज़ का 30 बोलता है, 10 रुपीज़ का 20 बोलता है, मतलब कुछ ज़्यादा है। उस सब मेला में उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये वाला मेला में कुछ ज़्यादा है। हाँ, और झूला वगैरह का भी रेट कुछ ज़्यादा है। नित्या का झूला में हम लोग बैठा है वो देख रही थी, वो बड़ा वाला झूला इस सब में बैठेगी बोल रही थी, मम्मी बोलते इसमें बैठेंगे। फिर इसमें भी जो है ब्रेक डांस, जो क्या बोलते हैं ब्रेक डांस ही बोलते हैं, हमको भी पता नहीं क्या है, उसमें बैठने खोजेगी। फिर बड़ा वाला झूला में जो इलेक्ट्रिक झूला है उसमें भी बैठने खोज रही थी, मतलब जो बड़ा बड़ा देख रही उसमें, छोटा वाला में नहीं। और अगर छोटा वाला में बैठेगी तो हम लोग को बोलेगी आप भी बैठो। तो देखिए फाइनली फर्स्ट टाइम फर्स्ट राइड है नित्या का और फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे झूला में बैठ रही है। वो डरती थी पहले जब हम कदमा मेला लेके गए थे दुर्गा पूजा मेला में, तब भी थोड़ी सी छोटी थी तो तब डरती थी, थोड़ा बैठने नहीं खोजती थी। अभी थोड़ा चलाक हो गई, मतलब बैठने लायक सबको देख रही है बच्चे लोग को, तो देख के वो भी बैठने लगी, वो रोई नहीं और घूमी थोड़ा, मतलब मजा मस्ती की, उसको मज़ा आया तो बैठ गई। और यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट्स डाली हूँ तो देखिए कितना खुश हो रही है नित्या और घूम रही है, हम लोग को देख रही है। मैं बार बार उसको मम्मा बाय बोल देने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बच्चा क्या होता है ना जब घूम के उधर से आता है और देख नहीं पाती है तो उसको डर लगता है कि मम्मी लोग चली गई। फिर मेरे हम जब आवाज़ दे देते हैं तो उसको लगता है कि यहीं पर मम्मी लोग हैं, तो मम्मी देखती है फिर हाय हंसती है। तो उसको बहुत इंजॉय लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो सच में बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ अभी बड़ी हो रही है नित्या। तो बड़ी मजाक कर रही थी और बहुत देरी तक कर दी क्योंकि छोटा बच्चा लोग उठ जाने खुश था, फिर भी और भी राइड था और थोड़ा देरी करता, मगर मैं ही उसको बोली कि इसको उठा दीजिए क्योंकि ज़्यादा घूमने से भी अच्छा नहीं लग रहा, छोटी है फर्स्ट राइड है इसीलिए। फिर दूसरा में भी बैठने खोज रही थी मगर उसमें डर लगा फिर नहीं बैठी। तो इसका राइड वगैरह और खिलौना वगैरह हम लोग मतलब खरीद लिए कुछ कुछ सामान सब, और उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे और देखते हैं और क्या क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, रहने का एक मिनट मन नहीं कर रहा है क्योंकि मतलब वहाँ पे जब गए थे देखे कि इतना ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी था, तो इसी के वजह से हम लोग ज़्यादा मतलब घूमना पसंद नहीं मतलब कर पाए। और उसके बाद अभी देखिए तो देखिए अभी हम लोग उसको उतार देंगे, बहुत ज़्यादा बहुत देरी घूमी और भी बहुत देरी तक घूमी थी मैं, स्पॉट्स मतलब वीडियो वगैरह इतनी ली हूँ और अभी उसको हम लोग उतार देंगे। तो देखिए कितना एंजॉय कर रही है नित्या, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है और बहुत बच्चा लोग इन्जॉय कर रहा। देखिए नित्या लास्ट में बोली वो जो बाइक में बच्चा बैठा है ना वो बाइक में बैठेंगे। फिर देखिए हम लोग यहीं पर खड़े थे, मम्मी झूला कर खड़ी थी देख रही थी। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है अगल बगल में, आप मेला में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। इसी के वजह से भीड़ के वजह से हस्बैंड जी को एकदम जाना पसंद नहीं रहा था गर्मी में। मेन बात था कि पापा भी घर में थे तो पापा को छोड़ के अकेले पेशेंट है तो नहीं जा सकते, तो हस्बैंड जी नहीं गए, देवर जी हम और मम्मी गए थे और इसीलिए हम लोग रुक गए। और फिर थोड़ा झूला वूला वगैरह थोड़ा थोड़ा देखे, नित्या इस कार में बैठी खोज रही थी तो हम लोग जाकर बोले कि बैठाइए, तो जब नित्या को लेकर बैठा है तो फिर वो रोने लगी, नहीं बैठेंगे बाबू आप बैठो, बच्चू आप बैठो, सब बैठो करके बोल रही थी। तो फिर हम वहाँ से हम लोग निकल गए क्योंकि वो रोने लगी नहीं बैठने को जी,
फिर बोलती ये झूला मैं बैठूँगी बड़ा वाला झूला में, तो देखिए कितने इन्जॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आपको होगा। पहले छोटे थे तो बैठने भी मन करता था झूला वूला में, अभी सच में बताया सब में तो पैसा वेस्ट करने मन नहीं करता है। और फिर हम लोग चाहते हैं फिर आइसक्रीम खाए और छुट्टियाँ वगैरह नहीं बनाए, हम लोग का घूमना फिरना हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स और हम लोग अभी नहीं घूम रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं। तो जितना ब्लॉग हो सके आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ कुछ सामान खरीदी हूँ आप लोगों को घर जाके थोड़ा बहुत दिखा लूँगी या फिर हो पाएगा तो, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, मेरे को खाना भी बनाना है जाके, और क्योंकि पापा वहाँ पे है और घर में छोड़ के आए हैं, इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो जितना ब्लॉग हो सके आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हम लोग आ गए थे डिज्नी लैंड मेला के घूम के, तो अभी वहाँ से हम लोग कुछ कुछ खरीद के आए हैं तो आप लोग को हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, ये नित्या का देखिए, ये देखिए एक ठो टॉय लाए थे, उसको ये पसंद आया बहुत, तो ये लिया हम लोग को 30 रुपीज़। देखिए बहुत छोटू सा है, पता नहीं क्या है, उसको पसंद आया ये, तो एक ठो ये लिए। हाँ देखिए ये चलाने से ये घूम रहा है, ये एक ठो लिया था, और ये बैट और बॉल एक ठो तक घुमा दिए, दूसरा बॉल के साथ खेल रही है, तो ये 50 रुपीज़ का पड़ा बैट और बॉल। और एक बच्चा घूम रहा था बाहर, मेरे को मिला, तो ये मेरे को ज़बरदस्ती नीता को पकड़ाया, वो बोला कि ले लीजिए ना, सुबह से कोई बिक्री नहीं हुआ है, बोला तो नीता भी पकड़ ली थी तो मैं ले ली उससे, क्योंकि वो ऐसे बोल रहा था। तो ये पड़ा हम लोग को 20 रुपीज़, ये देखिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ये जो जितना भी सामान है फ्रेंड्स, पहले बता देते हैं, ये जितना भी सामान मैं अभी दिखाऊंगी ये सारा 20 रुपीज़ का सामान है, तो अभी पहले एक एक करके ना निकालते हैं। ये देखिए ये ये एड़ी जो फटा रहता है या फिर साफ़ करने के लिए, ये घिसने वाला 20 रुपीज़। और ये देखिए मग टाइप का है, यहाँ पे पेन उन कुछ भी रखे ये रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं सामने से दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर है, अच्छा और मतलब अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, ये 20 रुपीज़। और ये देखिए धूपदानी के लिए अगरबत्ती स्टैंड है ना, ये मैं हम ये भी 20 रुपीज़। फिर ये चाकू लिए हैं, ठीक है, ये हम लोगों को काटना पड़ता है हर साल, जब भी मेला आता है चाकू लेते ही हैं, तो चाकू लिए हैं। और ये देखिए कपड़ा साफ़ करने के लिए जो ब्रश रहता है, ये भी ब्रश लिया, 20 रुपीज़ लिया, ठीक है। और ये हम लोग लिए हैं स्टील का कटोरा 4 ठो, क्योंकि बड़ा बड़ा हम लोग के पास थोड़ा छोटा वाला सब था, तो ये थोड़ा बड़ा वाला हम लोग लिए, और एक ही मतलब है बड़ा, एक दो अलग अलग टाइप का सब रहा घूम हो गया है, इसलिए हम लोग एक ही साइज़ का 4 ठो लाए हैं कटोरा, देखिए। और ये भी 20 रुपीज़ करके है, तो हम लोग ये 4 ठो लिए हैं। उसके बाद चाकू भी दे दी था। उसके बाद स्टेशनरी सामान जब गए, ये एक ठो लिए हम हेयर बैंड, हम बोले कि चलो ये वाला लगाएंगे, ये मेरे को लगा 10 रुपीज़, तो हम ले लिए, हम बहुत ऐसे कम यूज़ करते हैं तो अभी यूज़ करेंगे सोचे हैं, लेके आए हैं ये। फिर देखिए ये चूड़ी है, ये रुक गिर जाएगा, गिर, रखो 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 रखो। ये देखिए ये हम अपने लिए बैंगल लिए हैं, और जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है ना, तो ये मेरे को पड़ा 50 रुपीज़ 2 का। तो कैसा है बताइएगा, मतलब 50 रुपीज़ से ज़्यादा लिया या कम लिया हमको नहीं पता, तो 50 रुपीज़ का है फ्रेंड्स, वो एक तो था। और ये मम्मी जी ली है, ये भी 50 रुपीज़ का ही है, इसमें भी 3-4 कलर्स का है, ये भी मल्टी कलर्स का है, वो भी मैं जो ली है वो भी मल्टी कलर्स का ही ली हूँ, तो ये भी पड़ा 50 रुपीज़। तो आप लोग बताइएगा 50 रुपीज़ ठीक रेट है या ज़्यादा पड़ा या कम पड़ा। और अंदर से चूड़ी देखिए, ये चूड़ी के साथ है, और ये तो उठने वाला है पता है, मगर फिर भी दिखा अच्छा तो ले लेना है, कुछ भी तो लिए हैं हम लोग। और फिर ये 2 ठो क्लेचर लिए हैं, देखिए ये 20 करके एक ठो का, एक पीस 20 का था, दो ठो हम लोग लिए हैं। तो बस यही छोटा मोटा सामान था हम लोग के पास, और नित्या लाई थी अपना और भी खिलौना, बलून वलून वो सब फोड़ चुकी है। और ये लास्ट था देखिए फ्रेंड्स, ये कप, हम लोग हर बार जाते हैं तो कप यूँ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का कप बहुत ज़्यादा टूटता है, बहुत ही ज़्यादा,
अभी मैं कदमा मेला से ली थी, फिर दुर्गा पूजा में ली थी, साक्षी गई थी तो ली थी। कंटिन्यू कप तो खरीदती ही रहती हूँ, कप बहुत ज़्यादा टूटता है हम लोग का तो इसी के वजह से। तो ये देखिए हम लोग लिए हैं 70 रुपीज़ का 6 पीस पड़ा ये, क्योंकि इसका थोड़ा क्वालिटी अलग है। 50 रुपीज़ था, अलग अलग सबका था क्वालिटी, तो इसका मेरे को डिज़ाइन अच्छा लगा तो ये हम लोग लिए। तो बस इतना ही। और आप लोगों को कैसा लगा, देखिए नित्या इधर लगी है साफ करने में, सब कुछ कर लेगी। तो इसीलिए हम लोग ये बस ले लिए हैं। और जितना भी था इसका भी तोड़ मरोड़ दी, देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे ही हर एक सामान को एकदम जब देते हैं सारा तोड़ देती है। और ये एक तो हम लोग का ये भी वहीं पे बैग था, क्योंकि हम लोग कुछ बैग लेके नहीं गए थे तो हम लोग को इतना सारा सामान खरीद लिए तो बैग चाहिए था, तो ये भी पड़ा हम लोग को 20 रुपीज़। तो ये बैग भी उसके साथ हम लोग ले लिए, तो यही सब सामान 20 रुपीज़ से ले लिए। और भी सामान था फ्रेंड्स, मगर मेरे को लगता है कि डिज्नीलैंड मेला में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रेट रहता है। तो चलिए जितना भी हो सके आपके साथ तो मैं शेयर की हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।